हेलो एवरीवन, मैं भाई इनर सिंह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, वड़ेकम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेवाड़ ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर डेली क्लासेस कंडक्ट की जा रही है 8 बजे से 9 बजे तक। 1 आवर की जो स्पेशल क्लास है अपनी, वो कभी नहीं रुकने वाली है। 112 नंबर की जो क्लास है वो आज होने वाली है। राजस्थान NHM CHO UPPSC स्टाफ नर्स ESIC KGMU DSSSB DGHS। शुरू करेंगे आज अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसके अंदर गोल्डन MCQ अपन पढ़ेंगे। एंड टॉपिक होगा हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़। क्या होगा टॉपिक हमारा? कम्युनिकेबल डिजीज़। क्या होती है कम्युनिकेबल डिजीज़? दो तरह की डिजीज़ होती है, एक कम्युनिकेबल होती है, दूसरी नॉन कम्युनिकेबल होती है। ठीक है, सिंपल जमीन में आपको बता देता हूँ। कम्युनिकेबल क्या होता है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किसी रूट के द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा ट्रांसफ़र हो सकती है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। एंड जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है, उसको अपन बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और जो डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट नहीं होती है, फैलती नहीं है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी हो सकती है? लाइक दैट ट्यूबरकुलोसिस, लाइक दैट रूबेला, लाइक दैट मिजल्स, लाइक दैट पोलियो। ये सारे के सारे क्या है? ये जितने भी सारे, कोरोना वायरस हुआ, स्वाइन फ्लू हुआ, ये सारे के सारे क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है। एक पर्सन को हुई, दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की मैं अगर बात करूँ, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। किसी को अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो क्या उसके कॉन्टैक्ट में आने वाले पर्सन को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है? नहीं हो सकती है, ये सभी को पता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ डायबिटीज़ की। किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो क्या दूसरे पेशेंट को हो सकता है? नहीं हो सकता है। किसी पेशेंट को मान लो हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है, तो उसके संपर्क में रहने से दूसरे पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो दीज आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आया समझ में? नेक्स्ट मैं बढ़ूंगा क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट, और कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर फोकस होगा आज का। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अपन MSN में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज यहाँ पढ़ लिए, तो अब MSN में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट तो मैं क्लास को शुरू करता हूँ बिना किसी डिले के। लाइव क्लास डेली 8 बजे, एवरी डे 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे की क्लास होती है, मेवाड़ नर्सिंग क्लासेस। मम्स डिजीज। मम्स इज ए डिजीज दैट अफेक्ट, किसको अफेक्ट करती है मम्स डिजीज? पहला MCQ आप सभी के सामने, सलाइवरी ग्लैंड। पहला ऑप्शन क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा ऑप्शन क्या है? टंग, यानी आपकी जीभ। तीसरा ऑप्शन क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। फिर क्या लिखा है? थायरॉयड ग्लैंड। और आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। 4 ऑप्शन 1 क्वेश्चन आपको बताना है राइट आंसर। देखो 3 डिजीज होती है, मीजल्स, मम्स और रूबेला, MMR। ठीक है, तीनों के जो वैक्सीन होता है वो SC रूट से लगता है। SC का मतलब होता है सब क्यूटेनियस रूट, ये सभी को पता है। 0.5 ml लगता है, सभी को पता है। एक चीज़ मैं विशेष बताने की कोशिश जो कर रहा हूँ, वो क्या बताने की कर रहा हूँ कि सलाइवरी जो ग्लैंड होती है, ठीक है, वो उस ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं, मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, पैरोटिड। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। सलाइवरी ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, और ये क्या करती है? सलाइवा का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है? सलाइवा का सिक्रेशन करती है। यह बात समझ में आ गई? एक बात क्लियर है। इसी का पार्ट होता है पैरोटिड ग्लैंड। अगर मान लो मम्स के अंदर आपको पूछे कि कौन सी रिलेटेड ग्लैंड है, और आपको मान लो ये पैरोटिड ऑप्शन में नहीं हो, तो आपको सलाइवरी पर राइट करना है। लेकिन अगर मान लो वहाँ पर सलाइवरी भी हो, पैरोटिड भी हो, तब आपको कौन से पे जाना है? कौन से ऑप्शन पे जाना है? डायरेक्ट पैरोटिड ग्लैंड पे जाना है। कौन से ऑप्शन पे जाओगे? पैरोटिड ग्लैंड पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सीधा का सीधा पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड की वजह से पैरोटिड ग्लैंड के अंदर इंफ्लामेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन की वजह से पैरोटिटाइटिस, पैरो पेरोटिटाइटिस। ठीक है, पेरोटिटाइटिस हो गया। अब पेरोटिटाइटिस की वजह से क्या होता है?
कॉमन कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है। पेरोटिटाइटिस की वजह से क्या होता है, मम्स, और मम्स में तीन चीज़ें अफेक्ट होती है, तीन सिम्टम आते हैं, अलग अलग एज क्राइटेरिया, अलग अलग जेंडर में अलग अलग यहाँ पे सिम्टम आते हैं। तो तीनों सिम्टम, चारों सिम्टम जो है वो मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। पूरी स्लाइड मेरे को चाहिए होगी इसके लिए, तो मैं पूरी स्लाइड को फिनिश कर देता हूँ। तो पहला है, यहाँ पे दिखेगा आपको साइन चाइल्ड में, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चे में। दूसरा साइन दिखेगा मेल में, ठीक है, किसकी वजह से, मम्स की वजह से। मम्स की वजह से पेरोटेटाइटिस हो गया। पेरोटेटाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या है, मम्स। पेरोटेटाइटिस की वजह से क्या हो सकता है, मम्स हो सकता है। और फिर आएगा, मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में क्या दिखेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तीन साइन दिखेंगे। चाइल्ड के अंदर मैं अगर बात करूं तो इसमें दिखेगा मेनिनजाइटिस, ठीक है। ये तो समझ में आ गया सभी को। ठीक है, मेनिनजाइटिस दिखेगा इसके अंदर। एंड मेल की मैं अगर बात करूं तो मेल के अंदर होता है टेस्टिस, सबने पढ़ा होगा। उस टेस्टिस के अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं इंफ्लामेशन या इन्फेक्शन वाली कंडीशन हो जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ओरचाइटिस। क्या बोलते हैं, ओरचाइटिस। देखो ये थोड़ा सा अलग वर्ड है, ठीक है, टेस्टाइटिस बोल सकते हैं लेकिन टेस्टाइटिस नहीं बोलकर ओरचाइटिस बोलते हैं। और फीमेल के अंदर क्या होती है, ओवरी, और ओवरी का इंफ्लामेशन क्या कहलाता है, ऊफराइटिस। क्या कहलाता है, ऊफराइटिस। आया समझ में ये सारी चीज़ें, ओरचाइटिस, मेनिनजाइटिस और उफ्राइटिस। ये तीनों चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना आप। क्या कर देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है। ये साइन अपन को मम्स का कॉम्प्लिकेशन के रूप में दिख सकते हैं, ठीक है। अब मेनिनजाइटिस को अगर मैं छोड़ दूँ तो आपको दो साइन दिखेंगे, ओरचाइटिस और ओपराइटिस। इन दोनों की वजह से क्या होता है, इनफर्टिलिटी करता है ये, मेल में और फीमेल में दोनों में क्या करता है, इनफर्टिलिटी करता है। ओरचाइटिस हो गया तो मेल में इनफर्टिलिटी करेगा, और ओफ्राइटिस हो गया तो फीमेल में इनफर्टिलिटी करेगा, मतलब वो फीमेल के अंदर ओवा रिलीज ही नहीं होगा, ठीक है, ओवा बन ही नहीं पाएगा, ठीक है, और इसके अंदर स्पर्म ही नहीं बन पाएगा, स्पर्म रिलीज ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये दोनों ही क्या करते हैं, इनफर्टिलिटी कोज करते हैं। अब मैं आपको बताता देता हूँ स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट आपको पूछा जाएगा, स्पर्म जो काउंट होता है वो मान लो आप 15 जो मिलियन है उससे अगर कम हो गया तो इसको अपन बोलेंगे, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है, ये अपन बोलेंगे, बिल्कुल राइट है, ओलिगोस्पर्मिया बोलेंगे। तो इस स्पर्म काउंट के ऊपर क्या होता है, इनफर्टिलिटी कॉज करता है, मतलब वह बच्चा बाप नहीं बन सकता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर टंग के ऊपर से भी एक बात पूछी जाती है, ठीक है, पीठ पीछे अपन कड़वे बोलते हैं, सामने फ्रंट की तरफ मीठे बोलते हैं। तो ये जो जीभ है इसका सामने का फ्रंट यहाँ पे है, यहाँ पे मीठा टेस्ट आता है, स्वीट टेस्ट। एंटीरियरली, एंटीरियरली क्या आता है, एंटीरियरली स्वीट। पीछे की तरफ बिटर, बिटर यानी कड़वा, क्योंकि पीछे की पीठ पीछे कौन, कड़वा ही बोलते हैं, कड़वे बोल बोलते हैं पीठ पीछे, और सामने की तरफ मीठा बोलते हैं। और अब ये मीठा है, देखो नई 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 नवेली जो दुल्हन आती है वो पहले क्या रहती है, मीठे मीठे बोल बोल के मीठी मीठी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट में जब उसको थोड़े दिन हो जाते हैं फिर वो क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी नमकीन से हो जाती है, खट्टी हो जाती है, ठीक है, वो खट्टे खट्टे अपन जैसे लगने लग जाती है अपन को। और थोड़े दिनों के बाद में ऐसी हो जाती है, भयंकर भयंकर रूप धारण कर लेती है, वो बिल्कुल अपन को कड़वी लगने लग जाती है, ठीक है। तो ये है चंपा देवी की बात। चंपा देवी नई नवेली बन के आती है तो मीठा मीठा बोल बोलती है, मीठे मीठे परिवार को फंसाती है, फिर क्या करती है वो शाल्टी बोलती है, मतलब थोड़ा बहुत उसको व्यवहार में चेंज आ जाता है, फिर लास्ट में आते आते बिल्कुल ही चेंज आ जाता है, ठीक है। तो पीछे की तरफ कड़वा, कड़वा को अपन बिटर बोलते हैं, ठीक है, ये कड़वा टेस्ट आता है पीछे की तरफ। नेक्स्ट थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड का एक बेस्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको एंडोक्राइन जो ग्लैंड है पूरी बॉडी की, उनमें सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम बताओ तो आपको बताना है थायरॉइड, और एक्सोक्राइन ग्लैंड का सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम बताओ लीवर, और पूरी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम पूछे तो आपको बताना है लीवर, सबसे बड़े ऑर्गन का नाम पूछे आपको बताना है स्किन, ठीक है, सबसे छोटे ऑर्गन का, सबसे छोटी ग्लैंड का नाम पूछे, एक ही वर्ड बताना है आपको, क्या बताना, पीनियल ग्लैंड। क्या बताना, पीनियल ग्लैंड। आ गया समझ में यह सब, आया समझ में, आगे बढ़े। नेक्स्ट इसका राइट आंसर सी, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, ये तो समझ में आई गया होगा सबको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय मिक्सो वायरस।
क्या पूछा है, कमेग्जो वायरस से होने वाली डिजीज का नाम बताओ। अब मैं आपको दो वर्ड लिख के दूंगा, ट्रिक बता रहा हूं, याद रह जाएगा, ट्रिक से नहीं चलोगे बिल्कुल याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे कि मिग्जो क्या है, पैरामिग्जो क्या है। यह है मम्स, एक तरफ मैं लिख रहा हूं मम्स, एक तरफ लिख रहा हूं मैं मिजल्स, ठीक है, ये मिजल्स ये मम्स। तो मेग्जो वायरस किधर जाएगा, मम्स किधर जाएगा, मतलब पैरामिग्जो किधर जाएगा वो बता रहा हूं, ठीक है। मेग्जो वायरस में MYXO आ रहा है, कितने वर्ड है, चार वर्ड है, ठीक है, चार के बाद में क्या आता है, पांच आता है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, चार के बाद में पांच आता है, तो मम्स में कितने वर्ड है, पांच वर्ड है। अब वर्ड से ही अपन को पता लगाना है, कम वर्ड इसमें मम्स में है और मिजल्स में ज्यादा वर्ड आ रहे हैं, तो कम वर्ड वाला कम वर्ड की तरफ रखो, मिग्जो को अपन इस तरफ रखेंगे, ठीक है। मिग्जो वायरस हो गया, ये मिग्जो मिग्जो वायरस हो गया अपने पास में, ठीक है। अब पैरामिग्जो, पैरामिग्जो में कितने वर्ड है, चार, तो ये और ये चार, ये आठ वर्ड हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात के बाद में क्या आता है, आठ आता है, तो मिजल्स में सात वर्ड है, सात के बाद में आठ आता है, और मैंने आठ लिख दिया, समझ में आ रहा है कुछ बोल रहा हूँ, बहुत इजी है, नर्सिंग में कोई चीज़ बड़ी नहीं है, ट्रिक से चलो बस। तो आठ वर्ड का होगा पैरामिग्जो, चार वर्ड होगा मिग्जो, मिजल्स होगा सात वर्ड का, मम्स होगा पाँच वर्ड का, पांच के बाद में यहां पे सॉरी, पांच से पहले क्या आता है, चार आता है, और सात से बाद में क्या आता है, आठ आता है। तो इस प्रकार से चलना है, ज्यादा वर्ड की तरफ रखो, पैरामिग्जो मेजल्स की तरफ रखो, मेग्जो है मम्स की तरफ रखो, ठीक है। तो मम्स क्या कॉज करता, किसकी वजह से कॉज होता है, मम्स, मम्स आपके मेग्जो वायरस की वजह से कॉज होता है, और मेजल्स पैरामिग्जो की वजह से। आ गया समझ में, अब कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट, तो इसका जो आंसर होगा वो देखो, कूट में लिखा है लेकिन बहुत अच्छा है, यहाँ पे क्या वूपिंग कप, क्या रूबेला, क्या चिकन पॉक्स, क्या मम्स, अपन पढ़ में मम्स रहे हैं, तो राइट आंसर भी मम्स में ही आएगा, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। देखो और चीज़ें हैं यहाँ पे, रूबेला, ठीक है, रूबेला बहुत प्रकार का होता है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम भी होता है, ठीक है। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम क्या होता है, RDS की वजह से होता है, RDS बंद नहीं हो पाता है, RDS है वो क्लोज नहीं हो पाता है, RDS का मतलब होता है राइट ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा, वो जो RDS, देखो देख क्या हो, मैं आपको बता देता हूँ, डक्टस आर्ट्रियोसस जो होता है, आपने पढ़ा होगा ना, डक्टस आर्ट्रियोसस पल्मोनरी आर्टरी अरोटा के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन, वो जो कनेक्शन एबनॉर्मल होता है फिटस के अंदर, ठीक है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन बाद में भी वो क्लोज नहीं हो पाता है, ठीक है, वो क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेगा, PDA कोज करेगा, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसस, ये कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, ये क्या है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, ये क्या है, एक प्रकार का यहाँ पे क्या है, एसाइनोटिक सिंड्रोम है, क्या है, एसाइनोटिक सिंड्रोम, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये साइनोटिक और साइनोटिक आपने पढ़ा होगा ना पहले पीडियाट्रिक में, तो बस, तो वो क्या करता है, डक्टस आर्ट्रियोसस PDA, और PDA जो कॉज होगा तो उसको हो जाएगा कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, क्या होगा, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। टॉर्च इन्फेक्शन पढ़ा आपने, TOR जो आ रहा है उसको अपन बोलते हैं रूबेला, क्या बोलते हैं, रूबेला, वही है रूबेला, टॉक्सोप्लास्मोसिस रूबेला सिंड्रोम, ठीक है, ये होता है, तो रूबेला उसको बोलते हैं अपन। चलो चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है, एक था स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस, चिकन पॉक्स वेरिसेला जुस्टर वायरस, क्या है, वेरिसेला, क्यों मैं बता रहा हूँ, इसका भी रीज़न वर्ड पे ही जानना है अपन को। देखो एक होता है स्मॉल पॉक्स, ये स्मॉल पॉक्स, स्मॉल और पॉक्स तो वर्ड एक ही, तीन वर्ड आ रहे, तो चिकन में तो वर्ड आ रहे कितने, तीन और तीन चार, और कितने होते हैं, सात होते, सात वर्ड आ रहे हैं चिकन में, और स्मॉल में कितने आ रहे हैं, सिर्फ ओनली फोर गिनोगे आप तो पांच वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, तो इस यहाँ पे लिख दो, आप स्मॉल में लिख दो वेरियोला, वेरियोला, ठीक है, और चिकन में लिखना आपको वेरिसेला, वेरिसेला जुस्टर, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम ही बहुत बड़ा है, और चिकन पॉक्स भी नाम बड़ा है, स्मॉल पॉक्स नाम छोटा है, तो वेरियोला भी छोटा है, तो वेरियोला को करो स्मॉल पॉक्स के साथ में, वेरियोला वायरस स्मॉल पॉक्स के साथ में, वेरिसेला जुस्टर वायरस है वो इस चिकन पॉक्स के साथ में चला जाएगा। मम सॉरी स्मॉल पॉक्स है वो इराडिकेट हो चुका है 1980 में,
ठीक है, 1980 में ही इराडिकेट हो चुका है, इसको अपन को कुछ नहीं करना है, ये इराडिकेटेड है बीमारी 8 मई 1980, ठीक है, ये आपको डेट ध्यान रखनी है, और इराडिकेट वर्ल्ड से हो चुका है। इंडिया की पूछे तो 1977, ठीक है, 1976 में आया था लास्ट केस इंडिया में, और 1977 में ये इराडिकेट हो गया, और 1977 में वर्ल्ड में क्या आया था लास्ट केस, और 1980 में वर्ल्ड से ही इराडिकेट हो गया, पहले इंडिया से हुआ फिर वर्ल्ड से हुआ, वर्ल्ड से बाद में हुआ है ध्यान रखना, इंडिया से पहले हो गया था, ये भी आपको पूछा जा सकता है। मम्स है वो आपको पूछा, मम्स मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया, ठीक है, और अब मैं बात करूँगा आपके एनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस, एनलार्जमेंट हो रहा है, टेंडरनेस आ रही है उसमें, और क्या हो रहा है, पेरोटिटाइटिस, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पेरोटिटाइटिस मतलब पेरोटिटिस जो ग्लैंड है वहाँ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कब एनलार्जमेंट हो रहा है, टेंडरनेस आ रही है मतलब सूजन आ रही है वहाँ पे, ठीक है, इंफ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इज सीन इन, ये किस में देखने को मिलता है, कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है, ये मैं बता चुका हूँ, बार बार बताऊँगा नहीं, ठीक है, मिजल्स में, मम्स में, रुबेला में, या इन्फ्लुएंजा में, इन्फ्लुएंजा भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इन्फ्लुएंजा एच बी बी का होता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी होता है, ठीक है, रुबेला मैं बता चुका हूँ, और ये जो मिलता है पेरोटिटिस वो मम्स में मिलता है, ये आप सभी को पता ही है। मीजल्स का थोड़ा सा मेरे को यूँ बताना है, यूँ पढ़ रहा है मेरे को कि आप जो अब बात करोगे जर्मन मीजल्स की, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, मीजल्स, आप बात करोगे रुबेला की, और रुबेला, ठीक है, ओला, ठीक है, ओला, तो रुबेला किसको बोलते हैं, मम्स को, सॉरी मीजल्स को, ठीक है, ये समझ में आया, रुबेला को अपन, और मम्स को अपन क्या बोल सकते हैं, रुबुला, मम्स का दूसरा नाम क्या है, रुबुला, ठीक है, ये रो, ये बू, ये ला, और रुबेला अलग से है, और रुबियोला, रुबियो ओला, ठीक है, ओला जिसके पीछे लगेगा मेजल्स आ जाएगा, बुला जिसके पीछे लगेगा यहाँ पे मम्स आ जाएगा, और रुबेला तो ही है, तो रू रू ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, नेक्स्ट, एक आपको और पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्या पूछा जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, वो वैसे आ जाएगा, देखो टाइम पे आ जाएगा, जैसे वो डिजीज़ आएगी वैसे वो क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो मीजल्स के अंदर एक साइन देखने को मिलता है, एक स्पॉट देखने को मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं कॉपलिक स्पॉट, क्या बोलते हैं, कॉपलिक स्पॉट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नेक्स्ट, बी आपका राइट आंसर है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स इज, मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड पूछा है 18 दिन, 10 दिन, 14 दिन एंड 5 दिन, तो इसका है 2 से 4 वीक, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 2 से 4 वीक, यानी 2 से 4 वीक, यानी 2 वीक में कितने होते हैं 14 दिन, 4 वीक में कितने होते हैं 28 दिन, और 28 और 14 के बीच में आ रहा है आपका 18 दिन, ठीक है, क्योंकि रेंज में पूछा है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, नेक्स्ट, 14 से 28 ध्यान रखना, ठीक है, कॉमो यहाँ कंपोनेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इज, यानी मम्स का कंपोनेंट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, ओरचाइटिस, ओपराइटिस, फिर लिखा है निमोनिया, फिर लिखा है एंसेफलाइटिस, फिर लिखा है मेनिंजाइटिस, कंपोनेंट का मतलब होता है जो कॉमन देखने को मिलता है, ठीक है, कंपोनेंट का मतलब या कॉमनेस्ट में लिख दूँ तो भी राइट है, तो कंपोनेंट का मतलब कॉमनेस्ट, ये तो ओनली फॉर चाइल्ड में मिलता है, ठीक है, एंसेफलाइटिस देखने को नहीं मिलता है, निमोनिया नहीं मिलता है, और चाइटिस ओपराइटिस को आप देखोगे, बिल्कुल एज इट इज राइट आंसर, राइट का भी राइट आंसर चला जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आ रहा है समझ में, क्लास समझ में आ रही नहीं आ रही बता दो, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है गाइज जो आपको नया लगे, सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं और उसी को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक डिस्प्ले आपको एक दिन पहले होता है, सभी को पता है ना, जो लास्ट क्लास देखते हो ना आप, उसके एंड में मैं टॉपिक डिस्प्ले करता ही हूँ, हमेशा करता हूँ मैं, टॉपिक डिस्प्ले होगा फिर, और उस समय डिस्प्ले नहीं होगा तो मैं आपको मुँह से बोल के बताऊँगा कल कौन सा टॉपिक है, तो आपको जिम्मेदारी बनती है कि वो चीज़ आप पूरी पढ़ के आओ और फिर क्लास लेने बैठो, ताकि आप सारे के सारे आंसर एज इट इज़ राइट दे सको, अभी राइट करोगे NHM के एग्जाम में कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है, जैसे ही आपको MCQ दिखेगा आपको एक तो पढ़ा हुआ याद आएगा, एक मेरी क्लास याद आएगी, और आप क्या करोगे उस पर राइट आंसर पर टिक कर दोगे, और आपका बिल्कुल करेक्ट 101%, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नंबर उसका नहीं काट सकता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मम्स इन मेल्स इज,
मेजर कॉम्प्लिकेशन बताना है, मम्स हो गया है किसी मेल आदमी को, मतलब मेल को हो गया है, ठीक है, तो उसका मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? ए वीकनेस एंड फटीक, दूसरा है स्टरलिटी, तीसरा है ईयर एक यानी कान में दर्द। जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, आप मत लिखो जो आप लिख रहे हो, ओरचाइटिस उसको एक तरफ रखो और इनमें से राइट आंसर दो, क्या स्टरलिटी होगा, क्या इनफर्टिलिटी होगा, क्या ईयर एक यानी कान में दर्द होगा, क्या वीकनेस होगा, क्या उसको फटीक होगा। अगर फर्टिलिटी लिखते तो वो राइट होता, लेकिन इनफर्टिलिटी की बजाय स्टरलिटी अच्छा वर्ड है, ठीक है, दोनों का मीन सेम है, लेकिन स्टरलिटी जो होता है वो अच्छा वर्ड है और उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं, ठीक है, नर्सिंग फील्ड में। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, अगर स्टरलिटी नहीं होता, इनफर्टिलिटी होता तो भी आप उसको राइट कर सकते थे, और चाइटिस होता तो भी आप राइट करते, बिल्कुल राइट है आपका, लेकिन ऑप्शन में से ढूंढ के देना है आंसर, घुमा फिरा के पूछेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बताओ आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज गिव लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आफ्टर द अटैक, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा है। निम्नलिखित में से डिजीज में से बताना है ऐसी कौन सी डिजीज है जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, मतलब एक बार वो डिजीज हो गई, उसकी इम्यूनिटी बॉडी के अंदर बन गई, वो डिजीज लाइफ में दोबारा वापस नहीं होगी और उससे डेथ भी नहीं होती है, पेशेंट को डेथ भी नहीं होती, इनफर्टिलिटी होती है, अपन ने पढ़ लिया, तो अब राइट आंसर तो आपको पता चली गया, मैंने इनफर्टिलिटी बोल गया, तो राइट आंसर आप खुद ही बता दो, थायराइड, टिटनेस, मम्स और डिप्थीरिया, राइट आंसर सबको पता ही है, आप बताने की जरूरत नहीं है, मम्स पढ़ रहे हैं तो मम्स ही होगा, ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे में रिवीजन कराने की कोशिश है मेरी, और अगर आप साथ दोगे तो ये क्लासेस ऐसे ही चलती रहेगी और आपका पूरा का पूरा कोर्स बातों ही बातों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, द थ्री सी साइन ऑफ मेजल्स इज, मेजल्स के अंदर जो थ्री सी साइन दिखते हैं ना वो कौन से हैं, ठीक है, कौन सा एक नहीं है, या ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो तो क्वेश्चन में यही लिखा है कि थ्री सी साइन ऑफ मेजल्स इज, बस इतना सा लिखा है, आगे कुछ भी नहीं लिखा। अब ऑप्शन देखेंगे तभी अपन पता लगा सकते हैं, पहला लिखा है कफ, दूसरा लिखा है कोराइजा, फिर तीसरा कंजक्टिवाइटिस, ये कंजक्टिवाइटिस आ गया, और फिर लिखा हुआ आएगा शायद ऑल ऑफ द अबोव, यही आएगा क्योंकि तीनों ही है, तो ऑल ऑफ द अबोव, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तीनों ही राइट है, कफ भी होता है, कोराइजा भी होता है, कंजक्टिवाइटिस भी होता है। एक थ्री सी साइन आपको देखने को मिलता है टी ई एफ में, टी ई एफ, इसका मेन क्या होता है सर, इसका मेन होता है ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला में क्या मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा कफिंग, एक में मिलेगा आपको साइनोसिस, एक मिलेगा आपको चोकिंग, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, चोक होगा, गला चोक होगा, गले चोक होने की वजह से क्या होगा, कफ होगा, मतलब वो जो प्रोडक्ट है फॉरेन पार्टिकल वो अंदर फंस गया है, उसकी वजह से चोक हो रहा है गला, तो वो क्या करेगा, ट्रेकिया चोक हो रहा है तो ट्रेकिया क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट के अंदर क्या होगा, रिएक्शन करेगा, और उस रिएक्शन में क्या होगा, कफिंग होगा, ठीक है, आया समझ में, कफिंग होगा, कफिंग के बाद में उसको क्या हो जाएगा, वो सांस नहीं ले पाएगा, वो जो बंदा है, वो जो आपका छोटा सा बच्चा है, नन्ना मुन्ना, वो आपका सांस नहीं ले पाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसका गला चोक है, चोकिंग हो रहा है उसको, मतलब साइनोसिस है उसको, तो साइनोसिस भी हो जाएगा, मतलब उसके हाथ पैर नीले पड़ने लग जाएंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो लंग्स तक प्रॉपर वे में नहीं पहुँच पाएगी, तो उसको क्या हो जाएगा, साइनोसिस, कफिंग, चोकिंग, साइनोसिस, ये किसका साइन है, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला का। एंड थ्री सी साइन और किस में देखने को मिलता है, ये मिजल्स के बारे में पूछ रहा है, तो कफिंग है, कोराइजा है, कंजक्टिवाइटिस है, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर, क्यों, क्योंकि डी यानी क्या पूछा है, ऑल ऑफ द अबोव में पूछा है, आ गया समझ में सभी को, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट पर अपन जाएंगे, तो नेक्स्ट में लिखा है ऑल ऑफ द अबोव राइट है, कॉप्लिक स्पॉट, ये मैं बता चुका हूँ, आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ, यहाँ पे इज लिख देना आर की जगह पे, क्योंकि आर नहीं होता, इजी होता है, ठीक है, रूबेला, रूबेला, एक तो देखो रूबेला लिखा है, रूबेला का मतलब होता है मीजल्स, याद ध्यान रखना, अब राइट आंसर आपको ही देना, फिर लिखा है चिकन पॉक्स, फिर लिखा है मम्स, 1 2 3 4 ए बी सी डी, राइट आंसर आपको ही बताना है, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, ए बी सी डी, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर रूबेला होगा, ठीक है, ए
रुबेला नहीं, रुबेला, ठीक है, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेनेंसेफेलाइटिस इज ए कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद डैश वैक्सीन। पहला है मिजल्स, दूसरा है रुबेला, फिर लिखा है जापानीज एनसेफेलाइटिस, फिर लिखा है बीसीजी, बेसिलस कालमेटिव ग्यूरिन। क्या है? बेसिलस कालमेटिव ग्यूरिन। तो बीसीजी, जापानी एनसेफेलाइटिस, रुबेला और मिजल्स। राइट आंसर मिजल्स होगा। क्यों? क्योंकि सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेनेंसेफेलाइटिस जो साइन है, जो कॉम्प्लिकेशन है, वो किसका है? मिजल्स का। किसका है? मिजल्स का। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स इज, पहला ऑप्शन क्रॉप सिंड्रोम, फिर लिखा है निमोनिया, फिर लिखा है ओटाइटिस मीडिया, फिर लिखा है मेनिंगो एनसेफेलाइटिस। मिजल्स का कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है, मिजल्स का बताना है। मिजल्स क्या करता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है ये, ब्रेन को थोड़ा अफेक्ट करता है मिजल्स। मेनिंगो एनसेफेलाइटिस होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। ओटाइटिस मीडिया आपके यूस्टेकियन ट्यूब के द्वारा फैलता है, यूस्टेकियन ट्यूब के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। निमोनिया ऑलरेडी आप सभी को पता है, लंग के पेरेन्काइमल लेयर के अंदर इंफ्लामेशन होना निमोनिया कहलाता है। क्रॉप सिंड्रोम में क्या होता है, आपका लेरिंक्स डैमेज, लेरिंक्स के बाद में ट्रेकिया डैमेज, ट्रेकिया के बाद में आपका इसोफेगस डैमेज, और उसके साथ में फेरिंग्स भी डैमेज, और उसके साथ में ब्रोंकाई भी डैमेज, ठीक है। इन सारों का साथ में इंफ्लामेशन इन्फेक्शन होना क्रॉप सिंड्रोम कहलाता है। ये समझ में आ गया, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है, क्लास में सारी चीज़ें इवन आ चुकी है। अपन डेली क्लास पढ़ते हैं ना, तो डेली में क्या आता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ऑप्शन होते हैं ना, ऑप्शन का मैं मेन तो बताता ही हूँ, हर ऑप्शन का मेन आपको बताया रहता है, ठीक है। अगर डेली आप क्लास देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे हो तो आपके लिए थोड़ा है, पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट आंसर क्या होगा? डी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स। ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो मिजल्स का नहीं है, याद रखना, जो मिजल्स का नहीं है वो आपको बताना है। पहला है एएसडी यानी एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट, फिर लिखा है कंजक्टिवाइटिस, फिर लिखा है एनसेफेलाइटिस, फिर लिखा है यहाँ पे लेरिंजाइटिस। मिजल्स के अंदर मैंने बताया था क्रॉप हो सकता है, लेरिंजाइटिस हो सकता है, एनसेफेलाइटिस हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, लेकिन एएसडी नहीं हो सकता है। एएसडी हार्ट प्रॉब्लम है, एएसडी इज़ द हार्ट प्रॉब्लम। तो नॉट कॉम्प्लिकेशन पूछा है, तो एएसडी इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मिजल्स इज, मिजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? ऑप्शन ए 7 डे, ऑप्शन बी 10 डे, ऑप्शन सी 14 डे, ऑप्शन डी 45 डे। राइट आंसर पे जाऊंगा सीधा मैं, ऑप्शन बी राइट है, बी यानी 10 दिन, 7 से 14 दिन अपन नॉर्मल मानते हैं मीजल्स का। मम्स की तरफ जाओगे आप तो 14 से लेकर फिर ऊपर जाना है आपको, 21 दिन तक जाना है, ठीक है। मम्स का कम होता है, मीजल्स का थोड़ा ज़्यादा होता है, सॉरी मीजल्स का यहाँ पर कम होता है, मम्स का उससे ज़्यादा होता है, उसके बाद का आ जाएगा, ठीक है। तो 7 से लेकर आप 14 तक जो मानोगे वो पीरियड आपका आएगा मीजल्स का, मतलब 10 दिन, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकंड। लिस्ट दे रखी है आपको कम्युनिकेबल डिजीज की और उसके इंक्यूबेशन पीरियड की, तो उस लिस्ट को आपको मैच करके बताना है राइट क्या होगा। कोलेरा, फिर लिखा है यहाँ पे डिप्थीरिया, फिर लिखा है यहाँ पे मीजल्स, फिर लिखा है आपका मम्स। आपको इसको मिला के बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसको मैं ही मिला देता हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो कोलेरा का जो जाएगा वो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम जाएगा, 1 से 2 दिन, ठीक है, जैसे मिला रहा हूँ वैसे ही आपको स्क्रीनशॉट लेना है। डिप्थीरिया है वो चला जाएगा 2 से 7 दिन पर, ठीक है, 2 से 7 दिन डिप्थीरिया को होता है। फिर आएगा मिजल्स, मिजल्स का आ जाएगा 10 से 14 दिन, और फिर मम्स का आ जाएगा 14 से 18 दिन या 21 दिन तक जा सकता है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के सामने,
तो क्या कहता है नेक्स्ट एमसीक्यू, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके फाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है, चिकन पॉक्स इज द कॉज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन बाय फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। चिकन पॉक्स जो है वो क्या है, एक प्रकार का वायरस है, क्या वह बैक्टीरिया है, क्या वह प्रोटोजोहा है, क्या वह फंगई है। चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है, वेरिसेला जुस्टर वायरस की वजह से होता है, ये तो आपने पढ़ा अभी, मैंने बता दिया। तो वायरस है वो, एक प्रकार का क्या है, वायरस है। तो राइट आंसर क्या होगा, वायरस। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या है, बहुत सारे क्या करके आते हैं, बैक्टीरिया करके आते हैं, कभी वेरी चिकन पॉक्स क्या है, बैक्टीरिया है, लेकिन बैक्टीरिया नहीं है एक्चुअल में, वो क्या है, वायरस है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपको चिकन पॉक्स के ऊपर से, ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स। देखो टॉपिक कैसे बदलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, नेक्स्ट एमसीक्यू आया, नेक्स्ट टॉपिक भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक अपन पढ़ेंगे। तो क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स इज, जो अभी मैं बता चुका हूँ, पैरामिक्सोवायरस, वेरिसेला जुस्टर, हर्पिस सिम्प्लेक्स, फिर लिखा है यहाँ पे बोर्डेटेला पर्टुसिस। बोर्डेटेला पर्टुसिस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बोर्डेटेला पर्टुसिस किसका है, पर्टुसिस का है, ठीक है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, फिर लिखा वेरिसेला जुस्टर, ये बिल्कुल राइट आंसर है, किसका है, चिकन पॉक्स का। मिजल्स का क्या है, पैरामिक्सो, और मम्स का क्या, मिक्सो। आ गया समझ में सारे के सारे। नेक्स्ट राइट आंसर क्या है, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है, क्योंकि इनक्यूबेशन से रिलेटेड एक एमसीक्यू आता है। तो इसका क्या है, इनक्यूबेशन पीरियड 10 से 12 दिन, अभी मैंने बता दिया था, ठीक है, 10 से 14 दिन, फिर लिखा है 14 से 16 दिन, फिर लिखा है 14 से 18 दिन। तो सी इज द करेक्ट, 10 से 14 दिन, 10 से 21 दिन अपन मान सकते हैं, सॉरी 14 से 16 दिन, ये बीच की रेंज आ रही है, ठीक है। तो बीच की रेंज को ही आपको राइट करना है, 14 से 16 दिन, ऐसा एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट साइन ऑफ चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर चिकन पॉक्स का फर्स्ट साइन क्या देखने को मिलता है, ऑप्शन ए फीवर, रैशेस, शिवरिंग एंड मेलेस। तो रेशेस आपको देखने को मिल सकता है चिकन पॉक्स के पेशेंट में या बच्चे के अंदर, रेशेस आपको देखने को मिल सकता है, तो रेशेस आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, द रेशेस ऑफ चिकन पॉक्स फर्स्ट अपीयर ऑन, कहाँ पे सबसे पहले अपीयर होते हैं रेशेस बच्चों के, यहाँ पे कहाँ पे अपीयर होते हैं, मतलब पार्ट पूछा है, बॉडी पार्ट का नाम पूछा है, ठीक है। तो बॉडी पार्ट का आपको नाम बताना है, क्या पैरों में यानी लेग में, या फिर आर्म में यानी हाथों में, क्या चेस्ट में, और क्या ट्रंक में। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, एमसीक्यू पूछने का काम मेरा, राइट आंसर बताने का काम आपका, ए बी सी डी। तो ट्रंक में सबसे ज़्यादा यहाँ पे फर्स्ट में अपीयर होते हैं रेशेस, कहाँ पे अपीयर होते हैं, ट्रंक में, ट्रंक यानी धड़ में आगे की तरफ, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या पूछा है, प्लियोमॉर्फिज्म कैन बी सीन इन द विच डिजीज। प्लियोमॉर्फिज्म क्या मतलब क्या होता है, एक बार बताता हूँ मैं, ठीक है। रेसेस आते हैं किसमें, चिकन पॉक्स में रेसेस आते हैं। रेसेस आने का जो ड्यूरेशन होता है, देखो मैं बता देता हूँ, जैसे एक रेसेस आज आया, एक रेसेस आया कल, एक रेसेस आया परसों, एक रेसेस आया उसके एक दिन और बाद, चार दिन बाद। तो जो पहला जो रेसेस आया वो क्या होगा, चार दिन बाद में हील हो जाएगा, ठीक है। तो इस चार दिन के पीरियड के अंदर दूसरे दिन पर कितने रेसेस थे, एक रेसेस फर्स्ट दिन आया, फिर सेकंड दिन आया, फिर थर्ड दिन आया। तो थर्ड दिन जो रेसेस आएंगे, मतलब तीन रेसेस हो गए टोटल, फिर कम पड़ते जाएंगे, ठीक है। तो वो जो रेसेस की संख्या टोटल जो हो रही तीन वहाँ पे, उसको बोलते हैं अपन प्लियोमॉर्फिज्म। फिर क्या होगा, कम पड़ेगा, फिर और नहीं आएगा, फिर और कम पड़ेगा, फिर और नहीं आएगा। और सीधा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एक जब मान लो दो क्लासेस, दो बैच चल रहे हैं एक स्कूल के अंदर, ठीक है। दो बैच में क्या होता है, एक बैच को बुलाया 10 बजे, 10 बजे से वो 1 बजे तक चलेगा। दूसरे बैच को बुलाया आपने, दूसरा जो बैच होता है उसको आपने बुलाया मान लो 12 बजे, ठीक है। वो 1 बजे से 12 बजे से 1 बजे के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे ज़्यादा, ठीक है। तो वो जो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे उस टाइम पीरियड के अंदर, उसको अपन बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट यहाँ पे किस में देखने को मिलता है, आप सभी को पता है, चिकन पॉक्स में,
कहाँ पे? चिकन पॉक्स में। डेंगू फीवर आप सभी को पता ही है, टाइफॉइड आपको पता ही है, टाइफॉइड फीवर विडाल टेस्ट वगैरह सब किया जाता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, डेंगू एडीज एजेप्टी मॉस्किटो के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट राइट आंसर क्या है? डी, डी इज द करेक्ट आंसर, चिकन पॉक्स। एड्स वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर, एड्स सबसे पहले इंडिया के अंदर, और एड्स पढ़ेंगे अपन कल, ठीक है? तो एमसीक्यू आप सभी के सामने और ऑप्शन आप सभी के सामने, कल तक इसका राइट आंसर मुझे चाहिए कि एड्स जो है इंडिया में फर्स्ट बार कब अपीयर हुआ, तो यह आपको बताना है। तो एड्स कब अपीयर हुआ यह आपको कल बताना है, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एड्स अपन पढ़ेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज को कैरी ऑन रखेंगे। तो कल की क्लास धमाकेदार रहने वाली है, 8 बजे की क्लास, आज थोड़ी छोटी क्लास होगी, तो बने रहिए मेवाड़ ई नर्सिंग यूट्यूब के साथ में। कैसे लगी आज को हमारी, आज की हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।